नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube के इस अनादर सक्सेस स्टोरी के वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ नितिन जी से, जो महाराष्ट्र से आते हैं और नितिन जी को एवियन है बाइलेटरली। जब इनने फर्स्ट MRI करवाई थी 9 जुलाई 2022 को, तो इन्हें थर्ड ग्रेड का एवियन निकला था। इसके बाद इन्होंने सेकेंड MRI करवाई 30 मार्च 2023 को, जिसमें इनको फोर्थ ग्रेड का एवियन निकला और ये हमारे पास में ट्रीटमेंट लेने को आए थे। जब ये ट्रीटमेंट लेने आए हमारे पास में, तो काफ़ी सारी इनको कॉम्प्लिकेशंस थी और इनका जो कोविड के कारण एवियन हुआ था और रेमडेसिविर इनको लगाए गए थे। काफ़ी सारे ऐसे मरीज हैं जो आफ्टर कोविड में आते हैं, आफ्टर कोविड जिनको एवियन हो जाता है, जिनको ड्रग इंड्यूस एवियन हम लोग कहते हैं। इनकी सक्सेस स्टोरी इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इनका जो एवियन है जो फोर्थ ग्रेड का था, आज वो रिवर्स हो गया है और ये थर्ड ग्रेड पर आ गए हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में, है ना। इन्होंने लगभग 5 से 6 बार हमारी दवाई ली है और उसमें भी गैप हुआ था अपना, है ना। और अभी जनवरी के बाद से ये अब हमारे पास में लगभग 4 से 5 महीने का गैप होने के बाद हमारे पास आए हैं, पर फिर भी अगेन जो है एवियन रिवर्स इनका हो गया है। तो हम नितिन जी के पास ही चलते हैं और पूछते हैं उनसे क्या एक्सपीरियंस उनका रहा है, क्या दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा है, और एवियन के मरीज जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए उनका क्या संदेश हो सकता है, उनका क्या एक्सपीरियंस हमारे ट्रीटमेंट से रहा है, सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो नमस्कार नितिन जी। नमस्कार व्यूवर्स को, एवियन के मरीजों को आपकी पूरी स्टोरी शॉर्ट में आप बताएँ। मेरा नाम नितिन पवार, मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ। कोविड के वक्त 2021 पे मुझे कोविड हुआ था, स्कोर भी ज़्यादा था, पहली लहर पे कोविड हुआ था, तो मैं अस्पताल में एडमिट हुआ था। तो उसी कारण रेमडेसिविर या फिर हाई स्टेरॉइड के कारण मुझे 6 महीने के बाद पहले लेफ्ट साइड में कुछ दिक्कत हुई। मैं डॉक्टर के पास गए, उन्होंने पेन किलर दिए, बोले कि कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, पेन किलर लेते रहो। 5-6 महीने के बाद पेन किलर लेने के बाद फिर दर्द राइट साइड में बढ़ने लगा, दोनों साइड में दर्द बढ़ा। तब मैं फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले कि आप MRI करो। MRI करने के बाद सेकंड स्टेज पे मेरा AVN वैस्कुलर नेक्रोसिस वहाँ पे MRI में आया। तो उसी कारण मैं फिर एक ऑर्थो सर्जन के पास गए, तो ऑर्थो सर्जन डॉक्टर ने बोले कि अब आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि अब तो स्टेज बढ़ गई है, हम कुछ नहीं कर सकते, ऑपरेशन करो, आपको हिप जॉइंट जो बॉल है वो बदलने पड़ेगा, रिप्लेस करने पड़ेगा। तो मैं फिर मुझे पता चला कि पुणे में एक होम्योपैथिक क्लिनिक है, मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर एडमिट हुआ। 20 दिन तक मैं एडमिट हुआ, उन्होंने दवाइयाँ दी, 6 महीने पर उनके ट्रीटमेंट की मैंने। जब तक दवाई का असर था तब तक कोई पेन नहीं था, मैं एकदम सीधा चलता था, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जब मैंने ट्रीटमेंट बंद की, बंद करने के कारण फिर दर्द बढ़ने लगा। अच्छा। फिर मैंने MRI किया तो मेरी ग्रेड थर्ड ग्रेड आ गई, थर्ड ग्रेड आ गई। फिर मैंने हमारे अहमदनगर से नज़दीक एक शहर है वहाँ पर मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर से फिर बार ट्रीटमेंट ली। तो वहाँ पर डॉक्टर बोले कि कोई बात नहीं, आप हर रोज़ 3-4 किलोमीटर चलते रहो, और मैंने जो दवाइयाँ दी वो दवाइयाँ लेते रहो। उनके ट्रीटमेंट में मैंने 3-4 महीने तक शुरू चालू की, लेकिन कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने ट्रीटमेंट बंद कर ली और फिर एक बार मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे AVN के बारे में, तब मैं सर के बारे में मुझे जानकारी मिली। बहुत ही मोटिवेटेड केसेस उन्होंने हैंडल की थी, रिवर्शन था, और हमारे महाराष्ट्र के बहुत से मरीज उनके यहाँ से ठीक हो गए थे। तब मैंने एक मरीज से उनका नंबर लिया, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया मेरे को, वो बोले कि मेरा AVN भी ठीक हुआ है, आप जा सकते हैं। तो मैं सर को मैंने कॉल किया, व्हाट्सएप पे बोला, तो सर ने आने के लिए बोले। तो मैं फिर एक बार MRI मैंने किया तो मेरे ग्रेड थर्ड से फोर्थ तक गई थी, ग्रेड फोर्थ तक गई थी, अर्ली स्टेज फोर्थ थी मेरी। मैंने MRI 30 मार्च 2023 में करवाया था और मैं 4 अप्रैल को यहाँ आया।
आने के बाद मैंने मेरी सब हिस्ट्री, किन किन तरफ से मैंने ट्रीटमेंट ली और किस प्रकार मैंने MRI किए, सब सर को बता दी। सर ने मुझे अच्छी तरह से मेडिसिन दी। मेडिसिन शुरू किया, 2 महीने के बाद थोड़ा सा दर्द बढ़ा। मेडिसिन लेने के बाद भी दो महीने पर दर्द बढ़ा। सर से बोले, सर बोले कि होता है कई बार मेडिसिन शुरू होने के कारण दर्द बढ़ता है, लेकिन 3 महीने के बाद मेरा दर्द बहुत कम हुआ, 50% दर्द कम हुआ। लेकिन कुछ फाइनेंशियल कारण के कारण मैंने 1 महीना मेडिसिन नहीं ली। अक्टूबर 2023 में मैंने मेडिसिन नहीं ली। फिर नवंबर से स्टार्ट की, नवंबर दिसंबर और जनवरी तक मैंने मेडिसिन ली, और जनवरी के बाद फरवरी से अब तक फिर से एक बार फाइनेंशियल कारण या फिर फैमिली कारण के वजह से मैंने मेडिसिन नहीं ली। और उसी कारण दर्द 1-2 महीने तक दर्द नहीं बढ़ा, लेकिन अप्रैल मई में दर्द फिर बढ़ने लगा। और मैंने सर से बात की, सर ने MRI करने को सर ने मुझे बोले, तो मैंने MRI किया। MRI करने के बाद पता चला, तो मुझे लगा था कि मेरी ग्रेड अब 4A से 4D होगी, लेकिन मेडिसिन के कारण मेरी ग्रेड रिवर्स हो गई और मेरी ग्रेड 4A से वो रिवर्स होकर 3rd पर आ गई। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, और फैमिली में भी, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे भाई, सबको खुशी मिली कि मेडिसिन नहीं लिया तब भी रिजल्ट चलते जा रहा था। और उसी बीच बहुत ट्रैवलिंग की मैंने, एक्टिविटीज़ बढ़ गई। सर ने जो बोला था वो कुछ भी नहीं किया, आहार डाइट प्लान वगैरह कुछ नहीं फॉलो किया, और तब भी मेरी ग्रेड रिवर्स हो गई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आज यहाँ पर क्लिनिक पर आया हूँ, और मेरे ट्रीटमेंट जो अधूरी रह गई थी, और मैंने आज से फिर मेरे ट्रीटमेंट शुरू की। और मैं सभी जो AVN मरीज होंगे उनको यह सलाह देंगा कि आप डरिए मत, AVN आपकी कमजोरी नहीं है, आपको कमजोरी मत समझो। और कोई भी डॉक्टर आपको, ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा या फिर कोई भी डॉक्टर आपको ऑपरेशन के लिए कहे, तो आप ऑपरेशन से पहले एक बार यहाँ पर आए, सर से मिले, सर की मेडिसिन लो, 3-4 महीने में आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगी। मुझे तो गैप होने के बाद भी रिजल्ट मिली, यही मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यकारक बात है। तो आप डरिए मत, घबराइए मत, और एक AVN वॉरियर्स की तरह आप रहिए, मेडिसिन लेते रहिए, अच्छे आपको रिजल्ट ज़रूर होगा। और सर ने यहाँ पर बुलाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, खूब खूब धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक इनकी पूरी स्टोरी से सुना, जाना और समझा कि कहीं ना कहीं जो पेशेंट हार मान जाता है कि नहीं, अब तो ठीक ही नहीं होगा, सर्जन हम तो बहुत बड़े बड़े सर्जन को बता चुके हैं, वो ठीक नहीं कर पाएगा, तो ठीक मेडिसिन से कैसे कर सकते हैं। मैं अगेन बहुत बार बोल चुका हूँ कि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसने सर्जरी सीखी हुई है, मास्टरी उसने सर्जरी में की है, उसके नाम के पीछे इसलिए उसने MS लगाया हुआ है, मास्टर ऑफ सर्जरी इसीलिए उसको बोला जाता है। सर्जन के पास जाके हम बोलेंगे कि बिना सर्जरी के ठीक कर दो, तो उसने किताबों में ये पढ़ा ही नहीं है कि बिना सर्जरी के ठीक हो सकती है, तो आपको नहीं बोल सकता और नहीं कर सकता। ठीक है, आप किसी भी भ्रामक चीज़ में ना आए, जितना हो सके उतना सर्जरी को अवॉइड करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर लें। जैसे नितिन जी ठीक हुए हैं, ठीक हो रहे हैं, ऐसे ही आप भी हो सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूर लें और जैसा बोला जाए वैसा आप ज़रूर करें, तो निश्चित ही AVN क्या कैंसर जैसी बड़ी चीज़ भी ठीक हो सकती है, तो आपको डरने जैसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। यदि मिला है तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अधिक से अधिक लोगों को, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।